नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया तक लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां के जनप्रतिनिधियों से आपको बात करा रहा है। जो जनप्रतिनिधि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करा रहे हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में जाकर हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है, ये भी लगातार न्यूज इंडिया तक के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम लोग सिवान के दरौंदा विधानसभा पहुंचे हुए हैं, जहां पे आज हमारे साथ के सिंह जी मौजूद हैं। के सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि के सिंह जी लगातार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच जाकर उनकी मदद करते रहते हैं। जब लॉकडाउन लगा था, आपको बता दें कि देश में 23 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा था, तो के सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार लोगों के बीच जाकर मदद करते हैं। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने दरौंदा क्षेत्र में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, वो आज हम लोग के साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सरफराज जी, आपका तो अभिनंदन है, हमारे यहाँ स्वागत है, वेलकम है कि आपने न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे जनता तक बात पहुँचाने का कष्ट किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, थोड़ा सा पहले उस पर बात करेंगे, तो लगातार आप लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचवा रहे थे, राशन का सामान पहुंचवा रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए सरफराज जी, पहली बात बता दूं कि मैं एक्चुअली, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है और बैठने के लिए कुर्सी भी बढ़िया है, साम्राज्य भी हमने बहुत खड़ा किया है, यहाँ तक कि हमने घास उखाड़ने से लेकर के 400 करोड़ की कंपनी बनाई। आज का कंपनी का हमारा टर्नओवर 400 करोड़ रुपया है साल का। तो जो आज इंसान घास उखाड़ने से लेकर के आज 400 करोड़ का कंपनी 10 साल के अंदर बना दिया, 16 साल का उम्र था तब से मैं काम करता हूँ और मैं जनता के लिए ही, मैंने मेरा सारा जीवन समर्पित 16 साल से लेकर के अभी तक जनता की सेवा में ही लगा हुआ है। हमने पहली बार गया तो हम अपने मोहल्ले के लोगों को, बहुत लोगों को ले गए यहाँ से काम करने के लिए, और लगातार हमारी 16 साल प्रयास रही है जनता का सेवा करना, जनता के बीच ही रहना। हमने एक धीरू भाई अंबानी की किताब पढ़ा था, उनके कंपनी में हम काम कर रहे थे। तो जनता जो है सबसे बड़ा भगवान है, तो उनको हम फॉलो करते हैं और जनता के बीच जितना संभव होता है उतने जनता के बीच रहना, जनता की मदद करना, गरीब लोगों की शादी करवाना। अभी बार यहाँ पे हमें मेहदार के मंदिर में लगभग हम लोगों ने 65-70 लोगों को शादी में मदद किया, शादी करवाया। मेहदार मंदिर की बात, गरीब लोगों की मदद किया। जहाँ तक बात रही सेवा भाव की, तो सारण कमिश्नरी में सबसे पहले राशन बांटने का काम, और ऐसा किट बांटा हमने कि एक घर में जा कर के 10 दिन राशन, कम से कम 10 दिन का खाने का एक गरीब परिवार को मिल जाए, उतना हमने भेजा उसके यहाँ। हमने 2 kg वैसे ऐसे हमारा किट जो था, सब लोग देखे थे, आटा सान से हमारा कठरा से लेकर के सब कुछ गया था वहाँ तक। 5 kg आटा, 5 kg चावल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 किलो चना, 1 kg नमक, 1 kg तेल, 100 ग्राम चाय पत्ती, सारे व्यवस्था करके साबुन उसमें डाल के हमने भेजा था, सारे व्यवस्था करके एक कठरा उसमें थपेला में रख करके भेजा था कि आटा वटा गूंदने में भी परेशानी ना हो किसी को। उस तरह से करके हमने बड़ा दिल से लोगों को मदद किया, मतलब दिखावा वाला मदद नहीं। बहुत लोग दिखावा वाला मदद करते हैं सर, लेकिन हमने दिल से मदद किया, क्योंकि इंसान हमारे दिल में बसने वाले, हम काम करते हैं, हम लोगों को दिल में रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है सिंह जी, जनता के लिए आपने बहुत कुछ किया है और आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो विकास सही मायने में होना चाहिए, जैसे चुनाव में बहुत सारा दरौंदा मॉडल पेश किया गया था, क्या सही मायने में दरौंदा का विकास हो पाया है क्या? देखिए सबसे पहले हम तो ये बताना चाहते हैं कि जो नेता यहाँ पे हुए हैं, जितने लोगों ने जनता के साथ धोखा दिया है, झूठ बोला है, वो क्योंकि हम तो हर जगह जाते हैं, हम तो हर गली गली जा रहे हैं, हमको तो उन लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती है ना, हम जितना जानते हैं उतना आप भी नहीं जानते हैं इन लोगों के बारे में। हमने जो 70 साल में नहीं हुआ, वो हमने, हम लोगों ने काम किया जनता के लिए, विकास का मॉडल का बात छोड़ दीजिए। हमने आज के डेट में भी 5,000 लोगों का रोजगार दिया, जो 70 साल में आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। सारण कमिश्नरी की बात बोल रहा हूँ मैं, जिन लोगों को विकास करना चाहिए तो उन लोगों ने वही बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप इधर उधर मत बनिए, हम वही बात बता रहे हैं। पहले तो हमारी आप समस्या सुनिए,
जो धरातल की समस्या है वो छोड़िए, विकास की बात छोड़ दीजिए, जो करना चाहिए वो किसी ने नहीं किया। हमने अभी भी 44 लोगों को रोजी रोटी दिया है और लगातार जनता की सेवा में लगे हैं। तो नेता लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, बड़ा पैसा लुटा हुआ था, बड़ा पैसा हो गया। नेता वाले लोग हमारे एतिया बढ़िया नहीं कर पाते, जैसे कि हम जनता के पकड़ में बनी, हमको जनता चाह रही है और बड़ी इज्जत करती है। अब हम तो उन लोगों का जेब नहीं, हम तो खुदे उधर कुर्ता पहना, तो हम उधर वाले को क्या पूछेंगे। तब विकास की बात है, मॉडल की जो बात आप बोल रहे थे, देखिए हम तो हमारा पासपोर्ट उठा के देखिए, 2 पासपोर्ट भर गया है वो वीजा से। तो हम तो मॉडल दुनिया का देखे हैं, दरौंदा का क्या बोलते हैं, ये लोग तो इंडिया कहीं कोना कोना में गए होंगे, हम तो 15 कंट्री घूम के आए हैं। आप मॉडल का नाम सुन लिए हैं, लोग मॉडल देखे कहाँ हैं, मॉडल विकास किसको बोलते हैं। केके जी, आप पार्टी से इतना जुड़े हुए हैं और जनता से भी जुड़े हुए हैं, लगातार जनता आपको चाहती भी है, बावजूद इसके जब उपचुनाव होने वाले थे पिछले साल तो उसमें पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। देखिए पार्टी का हम सम्मान करते हैं, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ खड़े थे, और इसलिए अपना सरताज हमने दूसरे के माथे पर रख दिया, नहीं तो यहाँ तो दरौंदा का सरताज जो था वो हमारे सिर चढ़ के बोल रहा था। हम जानबूझ के पार्टी के में इतना बड़ा त्याग किया हमने कि अपना सरताज दूसरे को दे दिया। आप समझिए कि जो कंटिन्यू बंदा 6 से सेवा में लगा हुआ है और कोई आता है 6 में काम करके अपना निपटा के चला जाता है, और कंटिन्यू हम 6 से पब्लिक के बीच में, 6 से हमारा शिकायत दुश्मन भी नहीं करता है, आपको मैं बता दूं, दुश्मन भी बोलता है ना ठीक ठाक लड़का है, जिसको वोट नहीं भी देना होगा वो ठीक है बोलेगा, इसलिए बोलेगा कि आज तक 6 के अंदर किसी को नाराज़ किया ही नहीं हमने। यहाँ तो 3 में सरकारी फंड लोग बात तब दुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता हम तो। आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि आपको बता दें, केके सिंह लगातार पिछले 6 से लगातार इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछली बार जब विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पे होने वाले थे तो उपचुनाव में पार्टी ने इनको टिकट न देके राजद नेता उमेश सिंह को टिकट दिया था, जिसमें इन्होंने पार्टी का साथ दिया और पार्टी से बगावत नहीं की। जब हालांकि बात ये भी उठ रही थी कि केके सिंह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी त्याग दी और निर्दलीय से इन्होंने चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा, और इनसे हम जानने का इस बार प्रयास करेंगे। अगर इस बार आपको क्या लगता है पार्टी टिकट देगी, कितने आश्वस्त है? देखिए पार्टी के पास, कई लोगों के पास हम गए थे तो पूछे कि भाई पार्टी तो राजपूत को 3 टिकट दे दी, अब 3 बार राजपूत हार गया तो आप कैसे जीत लेंगे, सवाल लाजमी है। बिल्कुल ये सवाल है। तो हमने उन लोगों से बोला कि देखिए आपने जो सिंबल दिया, आपके सिंबल से उन लोगों का पहचान बना, और सारण कमिश्नरी में मुझे अपने पहचान से मैं जाना जाता हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं। आपने टिकट दिया, आपके सिंबल पे वो पहचान में आया पब्लिक, उसको तो कोई पहचानता नहीं था, और पहचानता भी तो कहाँ तक था, 40 पंचायत है, कहाँ तक पहचानेगा, सिसमा कला के लोग पहचान लेंगे, इधर के लोगों को रामपुर के पंचायत के लोग जान लेंगे, भीगपुर के लोग जान लेंगे, कचनार के लोग जान लेंगे, ऐसा तो नहीं जान लेंगे, बहुत दूर में क्षेत्र है, यहाँ तक कि प्रत्याशी लोगों को पंचायत का नाम भी मालूम नहीं है। हमारे आँख पर पट्टी बांध दीजिए, अब वो दे दीजिए कि किधर पंचायत है कौन, तो हम ऐसे बीग देंगे उस पंचायत में कि भाई यहाँ पे है वो पंचायत, और उस पंचायत को टिकट दे करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं, बड़ी असंभव बात है। हमसे पार्टी के लोग पूछे कि आप भी राजपूत हैं, 3 राजपूत को टिकट दिया गया, तो कैसे आप चुनाव जीत जाएंगे। हम कहने हमारा कुछ पर्सनल था, उन लोगों का पर्सनल कुछ था ही नहीं, खत सब आप ही का था। अभी भी पार्टी से अस्वस्थ हैं हम लोग कि टिकट मिलेगा, और टिकट नहीं मिलता है तो फिर हमारी पब्लिक जैसी बोलेगी वैसे हम लोग करेंगे। क्या माना जाए इस बार अगर केके सिंह जी को राजद टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी मैदान में उतर सकते हैं? देखिए बिल्कुल अब के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़ा मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। टिकट आप ठीक है, अगले बार हमने त्याग किया था, इस बार बड़ा मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और पूरी जनता मजबूती के साथ हमारे छवि पे, हमारे कर्म पे, हमारे काम पे बड़ी खुश है। जनता टिकट देती है और जनता हमको टिकट दे चुकी है, और अभी कोई प्रत्याशी जो यहाँ पर लड़ने वाले हैं, यहाँ तक कि उनकी हम लोगों के डेली है कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आए, हम आप नहीं आएंगे तो हम आपको मदद नहीं करेंगे, इतनी क्रेज है हमारे पास,
और उन लोग पास कोई क्रेस नहीं है कि आप आओ नहीं आओ, ऐसा कोई क्रेस नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं उस पंचायत तक है कि वो किसी जाके बैठे बैठना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन घूमने का जगह ही नहीं है, कैसे घूमेंगे बताइए। अच्छा, क्योंकि एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि आप लगभग 15 काउंटी घूमे हुए हैं, हर बार जब चुनाव आता है तो जो भी प्रत्याशी होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे विकास कर देंगे वैसे कर देंगे, आप 15 काउंटी घूमे हुए, आपके पास क्या प्लान है दरौंदा को लेकर? देखिए, मॉडल की जहाँ तक बात है तो मॉडल बनाना बहुत बड़ी बात है। पहले हम अपना, हमारा जो खुद का मैनिफेस्टो है, पार्टी का मैनिफेस्टो छोड़ दीजिए, हम धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, हम गरीब से बढ़ के इतने दूर तक आए हुए हैं और वो भी गुजरात जैसी धरती पे, और कंटिन्यू हम यहाँ से लगाव रखे हैं कि यहाँ पे लोगों को मदद करना, शादी करवाना, पूजा करवाना, टूर्नामेंट करवाना, एक से एक 80% टूर्नामेंट दोनों जिला का मैं करवाता हूँ और मेरे को लोग लेके जाते हैं, बाकी MPA में लोग नहीं खेलो, कहा नहीं फीता काटत लोग। ठीक है जी, प्राथमिक उपचार केंद्र जो दरौंदा का है, कभी आपने उसका हालत देखा है, क्या हालत है उसको लेके क्या? देखिए, ये तो सरकार की व्यवस्था है, यहाँ तक आपको जनता विधायक बनाएगी तो क्या स्थिति वैसे ही रहेगी या कुछ सुधार होगा? देखिए, अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, और यंग लोगों की टीम बनेगी और सारे लोग अच्छे से काम करेंगे, जुनून रहेगा। पुराने लोग 15 साल से पढ़े, उनको क्या ज़रूरत है, राज भोग रहे हैं, कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनका तक पता चलिए ना रहा है जी। हम लोगों का 5-6 मैनिफेस्टो है, हमारा खुद का मैनिफेस्टो है कि हर पंचायत में पहला साल में डिजिटल एम्बुलेंस भेज देंगे। हर पंचायत में हम कमेटी तैयार कर रहे हैं, हर पंचायत में हमारी कमेटी है, हर पंचायत में कमेटी तैयार कर रहे हैं, कमेटी के माध्यम से ग्लोबल काम करने जा रहे हैं हम लोग। कमेटी क्या क्या काम करेगी? कमेटी एम्बुलेंस को देखभाल करेगी, ये हमारे मैनिफेस्टो में है, फास्टेड बॉक्स के साथ लेस रहेगा एम्बुलेंस, सारी डब्बा नहीं, सारी किट व्यवस्था रहेगी उसमें, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, 70% लोग अस्पताल जाने के पहले दम तोड़ देते हैं, हमको कम से कम, हमारा फर्ज बनता है इस विधानसभा के लोग जिंदा तो कम से कम यार अस्पताल में पहुँच जाए। तो हम सारे पंचायत को एक साथ एक साल के अंदर डिजिटल एम्बुलेंस देने जा रहे हैं। दूसरे साल में दो काम करने जा रहे हैं हम लोग, एक तो जल जमाव का जो काम है, बड़ी परेशानी है ये किसान लोगों की, हम किसान हैं तो हम मजबूरी समझ रहे हैं, हम तो पहले से बड़े चढ़े लोग हैं नहीं, तो हम तो किसान की परेशानी देखेंगे। जल जमाव की स्थिति जो है इसको बहुत बेहतर कर देंगे, दो साल के अंदर इसका निपटारा कर देंगे। अब देखिए, जल जमाव के चलते पानी, धान पानी से छाना जा रहा है, पानी नहीं निकलने के चलते गेहूं का फसल लेट से बोया जा रहा है, तो उत्पादन कम हो रही है, पानी का भी हम लोग अच्छी खासी निकासी का व्यवस्था कर रहे हैं, और गांव में नाले का व्यवस्था में हमारा विशेष ध्यान है, नाले में कि नाला बने, ये हमारे मैनिफेस्टो में 3 काम 3 साल के अंदर पूरा करना है। हम ये नहीं बोलेंगे हम कोई सोना के रोड बनवा दें, लेकिन जितना बोलेंगे उतना काम करेंगे, हम लोग हकीकत लोग हैं, आज जो बोलते हैं आप वो करते ही हैं, किसी को नाराज करके हमने नहीं भेजा आज तक। तो आप समझिए कि बहुत बेहतर होने जा रहा है हमारे मैनिफेस्टो में, और सारे एक दो काम हैं वो हम शो करने जा रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रहा है हमारा। हमारे मैनिफेस्टो में एक और काम रहेगा, जो हमको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी को जो पाँच साल रहते हैं तो अगर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से अगर 90 लाख रुपए मिलता है, वो सीधा सीधा गरीब के शादी विवाह में डाल देना है, सारे पंचायत में खर्च कर दीजिएगा, हम खर्च कर देंगे, सबको दिखा देंगे, भाई देखिए 90 लाख रुपए हमको मिला था, ये हमारा ये गरीब के शादी में चला गया, इसको पूरा सूची जारी कर देंगे हम। क्या लग रहा है इस बार KK सिंह को जनता विधायक बना के भेजेगी? देखिए, हमको तो लगता है कि हमने काफ़ी मेहनत किया है और जनता के दिल में हम हर जगह पे हैं, मैंने जो चुनाव लड़ता है उसको मालूम चल जाता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, बहुत लोगों को मालूम भी चल गया होगा, कहीं कोई नहीं है। अब की बार जनता हम पर बड़ा भरोसा किया है, और ख़ास करके नौजवान, एको को नौजवान क्यों का लगा नहीं घन, लोग फ़ोन करके बोला था क्या हो KK सिंह गाड़ी चलावे लग लो, तक वो तो हमारे साथ 10 साल से हमारे कंपनी में काम कर रहा है, अभी तू जोड़ता रहा भाई, 3 महीने में 3 साल ही बसाइल बड़ा लोग। आप हमारे कार्यकर्ता को हम कहना चाहते हैं कि इतने
एक तो नौजवान है और उसमें मजबूत के नेता है, कर्जकर्ता लोगों को भरोसा देते हैं कि भाई कहीं से कोनो परेशानी के ना हुई, अब मजबूती के साथ खड़ा हो जब तो केहू हमारा सामने ना आई, केहू नहीं खिला सकत, ऐसे कि पैसा में दमगोड़ बढ़ले बने, शक्तिशाली बढ़ले बने, जात के राजपूत हो जाए तो काहे दबेंगे। तो हमारा हमको भाई काम करना है दिल से, जनता के दिल में राखी ले। अब तो हनुमान जी है ना कि सीना चढ़ चढ़ के दिखा देंगे। हम ये बोलना चाहते हैं कि जनता के जो हमारा हमारे पास जो जनता के लिए इज्जत है, हम नहीं बोलते हैं कि आप इज्जत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बराबर कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा जनता की इज्जत करने की क्षमता किसी के पास नहीं होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ के सिंह जी, जो दरौंदा विधानसभा से पिछले बार भी तैयारी कर रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, और उसके बाद इन्होंने राजद का साथ देते हुए चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, और इस बार भी ये तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने बड़ी बेबाकी से ये बात कही है कि इस बार हर हाल में इनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं और जनता के बीच जाएंगे और जनता का जो फैसला होगा वो इस बार करेंगे, और जनता इनको निर्दलीय के रूप में देखना चाहती है तो निर्दलीय के रूप में भी ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजद इनको टिकट देती है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।